हेलो दोस्तों, मंजूस फूड मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं बीट रूट की नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। देखिए, बीट रूट लिए हैं, इससे आप बीट रूट से हेल्दी नाश्ता बनाएंगे, जिसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनेगा, इसे बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बीट रूट को देखिए कद्दूकस कर लिए हैं, मिक्सिंग बाउल लिए हैं। देखिए, एक कटोरी बेसन लिए हैं, बेसन को बाउल में डालेंगे। इसमें एक कटोरी दही डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डालेंगे, पानी डालेंगे इसमें, और पानी डालेंगे। बिस्कर से अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको, ताकि कोई लम्स ना रहे। अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनेगी दोस्तों, और हेल्दी तो है ही, क्योंकि सभी जानते हैं बीट रूट के कितने फायदे हैं। आपके बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे ये नाश्ता। देखिए, अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि गाठी ना रहे इसमें। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, स्मूथ बैटर बना लिए हैं। अब इसमें बीट रूट डाल देंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। दो प्याज को बारीक काट लिए हैं। अदरक है, इसको भी कद्दूकस कर लिए हैं, 1 इंच अदरक है, 4 हरी मिर्च है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देंगे इसमें, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, दोस्तों बैटर तैयार हो गया। अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। गैस पे तवा रख लिए हैं, तवा गर्म हो गया है, इसमें ऑयल लगाते हैं। चारों तरफ फैला लेंगे, देखिए लग गया। अच्छी तरह से फैला लेंगे तवे पर डालकर। एक साइड से पक गया है, अब इसे पलट लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा नाश्ता बना है। दोस्तों इसमें ज्यादा तेल भी नहीं लगता है। देखिए, तवा पर जो स्प्रेड किए थे, अभी वही तेल चल रहा है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनेगा ये। दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए दोस्तों,
दोनों साइड से पक गया है, अभी से निकाल लेते हैं। ब्रश से फिर तवे पर तेल लगा लेते हैं, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे इसमें। देखिए दोस्तों तो कलर भी कितना अच्छा आया है, कलर देख कर ही बच्चे दौड़े आएंगे। ढक देते हैं इसको ताकि जल्दी बनकर तैयार हो जाए। बहुत ही जल्दी नाश्ता बनके तैयार हो जाता है दोस्तों। सुबह अगर आपको बहुत हड़बड़ी हो तो ये नाश्ता बना सकते हैं, खाने में तो हेल्दी है ही। देखिए तेल भी ज्यादा नहीं लगा है इसमें। आप ये बच्चे के लंच बॉक्स में देंगे तो लंच बॉक्स खाली लौटेगा आपका, बच्चे सारे चट कर जाएंगे। दोनों साइड से पलट पलट कर अच्छी तरह से पका लेंगे। ये भी तैयार हो गया, इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे बना लेते हैं। ब्रश से फिर ऑयल लगा लेते हैं, इसी तरह से सारे बना लेते हैं। बनाने के बाद दिखाएंगे आपको दोस्तों। हमारा ये बीटरूट का नाश्ता बनके तैयार हो गया, देखिए बहुत ही कम तेल में बना है, ये नाम मात्र का तेल लगा है, 2 चम्मच से भी कम तेल में बनकर ये तैयार हुआ है। दोस्तों ये हमारा बीटरूट का हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं आप, सुबह या रात के डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।